आवाम को मजबूर ही इतना कर दिया गया है कि वो बाहर निकल ही ना सके। एक बंदा अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करता है, उसको पुलिस उठा के ले जाती है। जो आवाज़ उठाता है उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। 10 वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, फ़ोन आएगा, आएंगे डाला लेके चले जाएंगे, वो 10 का शऊर खत्म होगा। बाकी जो 100 लोग खड़े तमाशा देख रहे थे उनका शऊर कौन आएगा? जब आवाज़ उठाते तो पर उस टाइम में जो है ना कोई छोड़ता नहीं है, लाजमी बात है, पकड़ लेते हैं। हम इसी काबिल हैं कि हमें लेटर पढ़ते रहें। आप कोई भी हुकूमत पे बात करके देख लें, अगले दिन आपको भी अरशद रशीद की तरह फायर मार दे देगा। पाकिस्तान गुलाम है लेकिन मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। भाईजान असी हुण अमेरिका दे ते है नहीं जिहड़ी साडी सुनणगे, याद असी अमेरिका दी होई है ते फिर साडी सुनन ना। आवाम बाहर निकल नहीं सकती, क्यों? क्योंकि आवाम मजबूर हुई भी अपने प्यारों के चक्कर में। वोट कास्ट हुआ है, मीडिया किधर था? मीडिया बिका हुआ था। ये मीडिया वाला जो है ना तमाम चैनलों पे आवाज़ लगाएगा, निकलेगा। गरीब आदमी कैसे उठेगा, उनको उठने नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे जो अपनी हक की आवाज़ भी उठाता ना तो उसको दबा दिया जाता है। उसको क्या दबाना है, उसके पूरे पूरे खानदान को दबा दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान गुलफाम खान और आप देख रहे हैं माइक वाली सरकार। नाज़रीन आज का जो सबसे अहम टॉपिक है, अवाम बोलती क्यों नहीं, अवाम अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद क्यों नहीं करती? क्या अवाम गुलाम है? क्या अवाम डरी हुई है? अवाम महंगाई में पिसती रहती है, टैक्सेस देती रहती है, हमारे ब्यूरोक्रेट सियासतदान हमारे तमाम अदारों को पालती रहती है, लेकिन अपने हक़ के लिए नहीं बोलती। वो बिजली के बिलों में टैक्सेस बर्दाश्त करते हैं, खाने पीने में टैक्सेस बर्दाश्त करते हैं, यहाँ तक के कफन मौत भी आसान नहीं रहेगी। मौत मरने के लिए भी 2-4 लाख रुपये चाहिए। कब्र जब आप कब्रस्तान जाते हो 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये कब्र का लगता है। क्या अवाम में शऊर नहीं है? यहाँ अवाम बेहिस है, यहाँ अवाम गुलाम दर गुलाम बन गई है। आए लोगों से बात करते हैं कि आखिर वजह क्या है कि अवाम अपने हक़ के लिए बोलती क्यों नहीं है। मेरे साथ आइए। अवाम को मजबूर ही इतना कर दिया गया है कि वो बाहर निकल ही ना सके। मैं हूँ यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं एक दिन के लिए अपना ये सेटअप बंद करूंगा या दुकान बंद करूंगा तो मुझे खाने के लिए कौन देगा? मेरा गुजारा नहीं हो रहा है। खाने के लिए तो अल्लाह ने देना है, तो अवाम ने थोड़ी देना है या पब्लिक ने थोड़ी देना है, आपके काम करने तो थोड़ी होना है। भाईजान अल्लाह ताला ने तो देना है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि आप मेहनत करो सिला मैं दूँगा। अल्लाह ताला ने बोला है कि जो इस्लाम कहता है, इस्लाम कहता है कि जो बंदा अपने हक़ के लिए ना उठ सकता, मैं मफहूम बता रहा हूँ, वो किसी के लिए क्या नाइंसाफ़ी करेगा, क्या इंसाफ़ करेगा? अगर मैं अपने लिए इंसाफ़ नहीं मांग सकता, मैं दूसरों के लिए क्या इंसाफ करूँगा? भाईजान यही तो बात मैं कर रहा हूँ कि हम मजबूर हो चुके हैं, हम नहीं निकल सकते हैं। मजबूर हैं कि गुलाम हैं? हम मजबूर हैं, गुलाम नहीं हैं। मजबूरी ये टैक्सेस ख़त्म हो, ये बिल, बिजली के बिल, इसी के लिए तो आवाज़ उठानी है मेरी जान। तो भाईजान सब मिल के उठाएँ ना। कि सारे कहते हैं वो निकले खुद निकलता नहीं है बंदा। वही तो बता रहा हूँ कि मजबूर इतने हैं कि किस तरह निकल आएँ। सारे मजबूर हैं, सब मजबूर हैं। चले जी, एक भाई ने कहा जी वो गुलाम नहीं है लेकिन मजबूर हैं। अवाम डर गई हुई है यार, अवाम को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, अपने हक़ में बेहतर अवाम को नहीं नज़र आ रहा। किससे डर गई है? ये सियासतदानों से। एक बंदा अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करता है, उसको पुलिस उठा के ले जाती है। दूसरा बंदा करता है, उसको भी ले जाते हैं। 1000 बंदे भी करेंगे, उनको सबको ले जाएंगे। लोग यहाँ पे अपनी रोटी कमाएँ कि एहतजाज के लिए बाहर निकले। कश्मीर वाले रोटी कमा रहे थे कि वो कर रहे थे एहतजाज के लिए? नहीं कर रहे थे। ये जो जितने बड़े वेल सेटेड लोग हैं, मिडिल क्लास से ऊपर स्टैंडर्ड लोग के लोग हैं, वो बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि उनका तो कारोबार भरा है, बिजनेस कर रहे हैं वो अपना। जो मिडिल क्लास फैमिली बेचारे कैसे करेंगे, कैसे सर्वाइव अपनी? सर जी देखें, मैं अगर एक अरबपति बंदा हूँ तो मैं क्यों निकलूँगा आपके लिए? आपने जंग, अपनी जंग आप लड़नी है, मैंने तो नहीं लड़नी है आपकी जंग। आप बिल्कुल ठीक है, अपनी जंग खुद ही लड़नी है। तो ये सब जितने मिडिल क्लास लोग हैं, नीचे गरीब तबका है, सब आवाज़ उठाएगा तो ये काम होगा। अगर एक नहीं उठाएगा, यही तो हम लोग करते हैं। हमारे बैंक में भी यही काम है, हर जगह भी यही काम है, क्योंकि पाकिस्तान में बेसिकली 100 में से 90% करप्शन हो रही है। हर काम में करप्शन है। आप पुलिस में थाने चले जाएं, मसला वो इसके लिए आवाज़ आपका हक खा रहे हैं ना करप्शन करके, तो क्यों नहीं आवाज़ बुलंद कर रहे? आवाज़ बुलंद की तो थी इमरान खान ने, किधर है वो अंदर है, सलाखों के पीछे है। तो तुम भी आवाज़ बुलंद करके अंदर चले जाओ, रोटी पानी तो लबेगा ना। ऐसी रोटी को क्या करना है जहाँ पे कोई इंसान का दीन माने? कहते 45 लाख की रोटी खा गया इमरान खान, पता नहीं खा गया होना है। फिर उस्ताद जी पता नहीं दाल रोटी दे रहे थे, कह रही 45 लाख की रोटी है ना, वो लगता है फिर वो अंदर अच्छी क्वालिटी दाल उठी होगी। फिर बस करो, घर की रोटी की थोड़ी लभ रही है, घर हो जेल का माल खा। मैंने सुना कि वो पानी वाली दाल आप कह रहे हैं कि 45 लाख की रोटी है, वो 45 लाख की रोटी खा गया है। 45 लाख की 1 साल के अंदर ही, अभी 1 साल बुरा भी नहीं हुआ। मैं खड़ा रहता हूँ चौंक में, अभी मुझे ले जाएंगे, चले मेरा तो हक पूरा कर देंगे। खान साहब अपने हक में, अपने हक के लिए खड़े हुए थे ना, इनको अंदर किया है, इनको सजाएँ दी हैं, इन पर केस चले हैं। खान साहब ने हमारे अंदर एक शऊर पैदा किया है। जिस बंदे शऊर का फ़ायदा कि आपने उठना ही नहीं अपने हक के लिए। यार भाई मैं कह तो रहा हूँ, मैं कहता हूँ आपको कहता हूँ 10 बंदे और उठ जाएंगे, 10 वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, फ़ोन आएगा, आएंगे डाला लेके चले जाएंगे, वो 10 का शऊर खत्म होगा, बाकी जो 100 लोग खड़े तमाशा देख रहे थे उनका शऊर कौन आएगा? वो वीडियो बनाएंगे, सेल्फी बनाएंगे, वो टिकटॉक पे लगाएंगे। बात ये है कि मेरी जान वक्त के साथ चीज़ें जो है ना वो हो गई हैं चेंज। अच्छा। अब लोग जो है ना वो इस मामले की तरफ जाना चाहते ही नहीं है। कश्मीर की जो आप बात कर रहे हैं ना, इनकलाब आएगा, एक आपको एक बात पते की बता दूँ कि इनकलाब आएगा। कश्मीर में पठान मेजोरिटी, पंजाबी नहीं है। मैं ये कहूँगा पंजाबी के दम जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं। अब वो बर्गर शर्गर पिज़्ज़े पूजे में चले गए हैं, वो लोगों में अभी भी बुक़्क़त है। पंजाब में भी इंकलाब आएगा, लाएंगे पठान, जहाँ में पठान इंकलाब लेके आएगा। बस तो पंजाबी की करेंगे, पंजाबी खोता बिरयानी खाना रहा। हाँ जी, ये शुरू से कल्चर है हमारा यहाँ का कि आप बिरयानी के डब्बे के ऊपर जो है ना वोट कास्ट कर देते हैं। सारे करते थे, आप मैं सारे। आपको क्या लालच होती थी यार, 10 कुर्सियाँ मिल जाएंगी तो यहाँ पे बैठ के प्रोपोगंडा होगा भाईजान, नून लीग PTI पीपल पार्टी, ये वो। तो जिन्होंने ये सारा स्टाल स्टूल लगाए हैं, जिन्होंने पैसे खाए हैं, उनसे जाके पूछें भाई, वो खुद रो रहे हैं। वो कह रहे हैं यार मतलब जो मिला था वो तो खा गए वो, अब आगे किसने खिलाना है? कौन सा ऐसा बंदा जो कह रहा है मेरे मामलत बिल्कुल ठीक हैं? और बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके मामलत भी नहीं ठीक, आपको मिल भी कुछ नहीं रहा और आप बोलेंगे भी कुछ नहीं। गुलाम है? गुलाम नहीं है, मजबूर है? नहीं, मजबूर भी नहीं है। क्या है, सोए हुए हैं? नहीं, सोए नहीं हुए भाईजान। नहीं, काला जादू, कुत्ते का लोगों को ना पटा डाल के कुत्ता बनाया हुआ बेसिकली। और आप कह रहे हैं काला जादू किया हुआ है? काला जादू जादूगर नहीं है पूरे भाई, वो उनके पास पूरे मतलब हर औजार इस्तेमाल। आप बताएं वोट कास्ट करने गए थे आप? पहले यार मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, ये बताएं जिस दिन वोट कास्ट हुआ है मीडिया किधर था? मीडिया बिका हुआ था। बहुत बिका नहीं हुआ था, उन्होंने तुना हुआ था। बात समझ गए हैं? वो पैसा आता है बाबा, पैसा आता है ना। इसी तरह सारे सब जिन जो हुक्मरान है ना, इनको भी पैसा आ रहा है बाहर से, एडें आ रही हैं। तुन के रखो वहाँ, उन्होंने तुन के, तो उनका जो काम है वो करेंगे। उनका काम है मिलेगा पुन के तन खाएंगे तुन के। आवाज़ तो बुलंद करते लेकिन अब बुलंदने के लिए कोई छोड़ता नहीं है। क्या मतलब? जब आवाज़ उठाते तो पर उस टाइम में जो है ना कोई छोड़ता नहीं है, लाजमी बात है, पकड़ लेते हैं उसको। क्या आवाम डरता है? हाँ डरता है आवाम, डरता तो है, क्यों नहीं, डरता भी है लेकिन करता भी है। यार देखा तो नहीं मैंने कभी निकलते हुए आम को बाहर, अपना अकेले कभी भी नहीं निकलता। 9 मई का जो वाक़या है, कितने लोग निकले हुए बाहर, लाखों के तादाद से निकले हुए, नहीं निकला हुआ था। लेकिन अभी दोबारा उनको क्यों जो है ना पकड़ते हैं, हर जो है ना रोज़ाना पकड़ते हैं उसको, क्यों, किस बात पे पकड़ते? वो तो एक लीडर के पीछे निकला ना। मैं बात ये कर रहा है अपने हक के लिए कब निकलेगा? अपने हक था हमारा, ये मुल्क भी हमारा है, ये सारे कुछ हमारे, हमारा हक नहीं था? वो भी हमारे हक है, जो लीडर होता है ये सारा हमारा हक है। नहीं हक है, ये हमारा हक़ है। अब भी निकलते हैं, इंशाल्लाह आवाम को निकलना चाहिए, जैसे कश्मीर में लोग निकल गए इसी तरह का हमको भी निकलना चाहिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ निकलते हैं। इंशाल्लाह आवाज़ लगाएगा, निकल जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग ये मीडिया वाला जो है ना तमाम चैनलों पे आवाज़ लगाएगा, निकलेगा। ऐसे थोड़ी बहुत इधर जो है ना मीडिया में जो है ना इंटरव्यू बंद देते, वहाँ जो है ना इंटरव्यू शो नहीं करते, कैसे लोग निकलेगा? हाँ जी, पूरा मार्केट में इंशाल्लाह आवाज़ लगाया, इधर पूरे इलाके में आवाज़ लगाया, पूरे पाकिस्तान में आवाज़ लगे, पूरा पंजाब में आवाज़ लगे, सारे लोग इंशाल्लाह निकलेगा इंशाल्लाह। जब आवाम डरता तो नहीं है? नहीं, किस बात पे डरेगा भाई, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने, अपने हक के लिए निकल ले, किस बात पे डरेगा? तो निकला क्यों नहीं? 76 साल हो गया, अभी तक सोया रहता है, अभी आवाज़ नहीं उठे ना, जो आवाज़ उठाएगा खुद निकला जाएगा। भाईजान वो रोटी के पीछे जाए या आवाज़ के पीछे जाए, ये बताइए मुझे आप। सर देखें, जब तक आवाम आवाज़ बुलंद नहीं करेगी उसको लितर पढ़ते रहने हैं। भाईजान ये हम इसी काबिल हैं कि हमें लितर पढ़ते रहें। वो क्यों? इसलिए कि भाईजान हमारी रोटी पूरी नहीं हो रही, हमने क्या करना है, या अपनी रोटी के लिए निकलें या मतलब है कि निकलें हम बाज़ारों में, गलियों में। तो सर रोटी तो गुलामों की पूरी हो जाती है, आका अपने गुलामों को ऐसे रोटी डालते हैं। हम लोग, आपको लगता है कि गरीब आवाम के घर का बिल 50,000, 30,000, 40,000, सैलरी उसकी 20,000 है, बिल उसको 50,000 आ रहे हैं। भाईजान इसलिए गवर्नमेंट यही चाहती है ना कि गरीब आदमी खुदकुशी करे। तो सर देखें, वो तो खा रहे हैं, हमारा पैसा खा रहे हैं, तो हम लोग हमारा पैसा वो खा रहे हैं, तो हम लोग अपने हक के लिए क्यों नहीं उठ रहे? भाईजान मैं बार बार यही आपसे बात कर रहा हूँ कि गरीब आदमी कैसे उठेगा, उनको उठने नहीं दिया जा रहा, जो उठता है उसको पकड़ के पीछे फेंक देते हैं। उठ वो नहीं सकता जो गुलाम हो, ज़हनी तौर पर उसने गुलामी एक्सेप्ट की हो कि मैं गुलाम हूँ जी, मैंने अपने आका के आगे नहीं बोलना। यहाँ तो हम गुलाम हैं, यहाँ फिर हमें मानना पड़ेगा कि हम गुलाम हैं, हमें गुलाम बना दिया गया। भाईजान गुलाम है नहीं, गुलाम है नहीं, मगर गुलाम बना। फिर गुलामी देखे, मैं अगर किसी ने हाथ पकड़ लिया है तो मुझे जोर लगा के हाथ छुड़ाना है ना, तो हम लोग क्यों नहीं जोर लगा रहे? भाईजान इसलिए कि हमारा जोर ही खत्म कर दिया गया हुआ है, सत्तू मुक गए साढ़े सत्तू, हर चीज़ खत्म कर दी थी इन्होंने, हर चीज़। यहाँ तो गवर्नमेंट ने कफन का कारोबार तो नहीं शुरू कर लिया कि वहाँ खुदकुशी करे, वो कफन ज़्यादा बिके और उनकी अच्छियाँ चलती रहें। यहाँ तो एक चीज़ ये है, यहाँ हम गुलाम हैं, यहाँ हम लोग मजबूर हैं, यहाँ हम लोग सोए हुए हैं। बजस तीनों ही बातें, हम सोए हुए भी हैं, हम गुलाम भी हैं, सारा कुछ ही हैं, वो मजबूर भी हैं और मजबूर भी हैं। ठीक तो होना है, सामने तो लितर पहनते रहने ने जी। इंशाल्लाह तआला हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया है कि आपने जूतियाँ खानी खानी है। जो आवाज़ उठाता है उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। इमरान खान पर जो आवाज़ उठाता था, बाकी ये लोग आम शहरी हैं यार, वो कोई दहशतगर्द नहीं है। उनके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है जैसे वो दहशतगर्द हैं। उनको इतना इतना अरसा भाईजान जेल में रखा जाता है। कौन करेगा, एक दिन काम पे ना जाए तो भाईजान घर का खर्चा कौन चलाएगा। वो 2-2 साल बेचारे अंदर रहे हैं, 6-6 महीने अंदर रहे हैं। यार मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मुझे देखें कश्मीरियों ने आवाज़ उठाई, उनका बिल का यूनिट 300 रुपये का हो गया, साढ़ा 70-80 रुपये का। यार साड़ी आवाम की अपनी गलती है कि असी आवाज़ अपने असं आप भी नहीं चुकते तो उस तो बाद असी कहने कि यार साढ़े नाल बहुत बुरा है। लेकिन इसमें यह भी है ना कि हुकूमत को खुद भी तो ये सोचना चाहिए ना। क्यों सोचे, मैं याशी कर रहा हूँ, मैं हुकूमत में हूँ तो मैं याशी कर रहा हूँ, मैं क्यों सोचूंगा। बाकी कश्मीर के पहाड़ों पर डाला नहीं ना चलता, यहाँ पे आप घर में भी बैठे हो बाहर डाला आ जाता है, क्या करेंगे अब, आप किसों को बुलाओगे। डाला तो चलाया गल तो बाद मेरे घर के बारे डाला तो बनाया इस वास्ते गया कि पहाड़ों से भी चढ़ जाए, 4 व्हीलर हो दूजे मकसद वास्ते इस्तेमाल करीदा है ना। पहाड़ों से नहीं ना चढ़े, गरीब आवाम से चढ़े भाईजान। हाँ जी, उस चीज़ से यही है कि भाईजान यहाँ पे जो अपनी हक की आवाज़ भी उठाता है ना तो उसको दबा दिया जाता है। उसको क्या दबाना है, उसके पूरे पूरे खानदान को दबा दिया जाता है। ये मुल्क सिर्फ कहने पे आज़ाद है, ये अभी तक आज़ाद हुए नहीं हम। यानी कि आप गुलाम हैं भाईजान, ज़हनी तौर पर सारे कैदी हैं, गुलाम तो सारे ही हैं, आप गुलाम नहीं हैं। आप अपनी आवाज़ खुद भी आप बुलंद नहीं कर सकते हैं जब तक आप कोई भी हुकूमत पे बात करके देख लें, अगले दिन आपको भी अरशद रशीद की तरह फायर मार दे देगा। ना कर गोली मैंने उसने ही कह देना, मैं उसने ही मार जाना। भाई जान तो सही कह रहे हैं, वहाँ वो भी तो थोड़े वर्ग का यार सहाफ़ी सी ना, आम बंदा सी ना, उसने क्या गलत किया आपके मुल्क के साथ, मुझे ये बताओ। उसके क्या पनामा लीक्स निकले थे, तो फिर उसका क्या मसला, उसको क्यों मारा, आवाज़ बुलंद की थी ना, तो यही तो पता भाई जिंदगी अपनी किन्नू नहीं अजीज भाई, तेन अपनी जिंदगी मौत अलग है। अच्छा वो पता क्यों मरिया, वो पता क्यों मरा सर जी, वो पता क्यों मरिया, वो अकेला लड़ रहा था। अगर हम सारे मिलकर लड़ रहे होते ना उसने कभी भी नहीं मरना। तो वो किसके लिए लड़ रहा था, वो अवाम के लिए लड़ रहा था ना। अवाम सुती हुई सी तो जो अवाम होन उठी सी, जो इमरान खान ने जगाई सी तो उन्होंने चुक जेल कातो पाया, सारी नहीं उठी ना। इमरान खान का तो जेल ही यार एक कड़ी का रोला पाया कि कड़ी दी तो किन्नी खाना काबा के मॉडल वाली खरी थी। तो मुझे ये बताएं कि आपको इतना पता है कि आप पे कर्जा कितना पाकिस्तान पे, वो जो उन्होंने पैसे कमाए हैं ना वो आपके टैक्स के पैसे चोरी कर लिए, जो भी कर लिए हैं वो हलाल तरीके से कमाए हैं उसने, वो हलाल पैसे हैं, वो एमन फील्ड के फ्लैट हलाल तरीके से मिले हैं। वो इसका नवाज शरीफ कहता है मेहनत की, मेरे दादे का पैसा था। वो शबाज शरीफ कहता है मेरा प्यो गरीब सी, एक कहता मेरा प्यो अमीर सी, एक कहता गरीब सी। तो जो उन्होंने तो प्यो ही आपस में नहीं रल रहा, तो उन्होंने मुल्क को की सामना, मैंने पहले दसो मेहनत की मैं करप्शन में मेहनत बहुत की है, बड़ी मेहनत की नवाज शरीफ ने। ओए होए ये बात वो लोग मानेगा जो बिरयानी वाला होता है, यानी पटवारी होता है, ये वो बात मानेगा। बिरयानी पे वोट देते हैं पाकिस्तानी अवाम नहीं है, मतलब कि यहाँ पे अवाम को वोट का हक था और वो भी नहीं है। मुझे क्या आप मान रहे हैं कि आप गुलाम हैं भाईजान, ज़हनी तौर पे सारे गुलाम, आप गुलाम हैं। He is a labor of people. पाकिस्तान गुलाम है लेकिन मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। अच्छा हाँ, आप गुलाम हैं? नहीं मैं नहीं हूँ। तो क्यों नहीं उठ रहे, क्यों नहीं निकल रहे भाई खान का चाहने वालों, और ये कहने पे है कि हम लोग गुलाम नहीं है, ये नहीं है, सारे ही गुलाम ने भाई, तुसी भी गुलाम हो, उसी भी गुलाम हो भाईजान। असी हुण अमेरिका देते है नहीं जी साड़ी सुनणगे, याद असी अमेरिका दी हुई है तो फिर वो साड़ी सुनन ना, चाहे वो मीडिया वाले चाहे वो वकील ही। जब वकील निकल सकती तो मीडिया वाले को भी निकलना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये ना कि जिसने वज़ीर-ए-आज़म सेलेक्ट करना होता है, जिसने उतारना होता है, निकलो उसके खिलाफ। यार ये तो राइट अवाम क्या है कि वो हम ना 17 से पता है क्या देख रहे हैं। नवाज शरीफ गलत है, जरदारी गलत है, गलत ये नहीं है, सिस्टम को चलाने वाले गलत है, ठीक है ना। हमने सारी उम्र कराई की जंगे लड़ी है, इस बात का लाल मस्जिद से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। किसने आवाज़ उठाई, उसामा को हम फना दे रहे थे ना, जब मार के चले गए तो उसका जवाब किसने लेना था। आपके मुल्क में हेलीकॉप्टर उतरे, आपको पता किधर है, आपकी सिस्टम किधर था, सोए हुए थे ना। जो सोए हुए थे उनको जगाओ, फिर अवाम निकलेगी तो जागेंगे ना सारे। अवाम पता है किधर निकल सकती है, हमारे अपने एक इदारे का नुकसान करने, ठीक है। एक इदारे का नुकसान होता है, निकलता किधर से। कल परसों बजट पेश हुआ ना, 20% महंगाई हो गई, ठीक है। दूध के डब्बे के मगर 20 रुपये एक चीज़ बढ़ गई, सब चीज़ महंगा बढ़ गई ना। निकलना किससे, आवाम से निकलना है ना। हम अगर अपनी चीज़ें तो यार आवाम से निकल रहे तो नहीं, मैं तोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करने की बात कर रहा हूँ। हमें अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। देखो बुनियाद जो होता है ना, बुनियाद अगर मैं एक मार्केट का सदर है ठीक है, जब ये आवाज़ नहीं उठाएगा तो ये मार्केट की आवाम निकलेगी किधर? आवाम बाहर निकल नहीं सकती, क्यों? क्योंकि आवाम मजबूर हुई हुई है अपने प्यारों के चक्कर में, ओके, मौसमों के चक्कर में। ये देखें जी, अगर आप निकल आओगे मैं निकल आऊँगा, लेकिन जो हमारे सराउंडिंग वाले हैं वो करके सबने बनना ना मेरी जान वाले, तो हम लितर खाते रहे। नहीं सर, नहीं, हम लोग वो हैं, हम जो कहेंगे कि भाई इन बंदे बता दो लितर मारा ना से, साढ़े घर वाले नु छाड़ दो। एरिया से अकरम राजा खड़े थे, जब अकरम राजा साहब हमें बताएंगे नहीं कि हमने जाके नाचना किधर है तो हम जाएंगे किधर? मैं अकेला बंदा आपके साथ तैयार हूँ, मैं 10 बंदे साथ अपने साथ और भी रेडी कर ले, तो मुझे जगह पता है मैं एहतजाज किधर करूँ? मुझे लेके जाएंगे, मुझे छुड़ाने वाला कौन होगा? अकरम राजा आएगा मेरे पीछे? कभी भी नहीं आएगा। वो तो आप अंदर हो, ठीक है ना, जो अंदर होए ना उसको अंदर रहने दो, तबाह हो लेने दो सबको। इनको जो ये गुलामी पैदा हो चुकी है, जो अवाम अपने हक के लिए नहीं उठती, इसमें सबसे ज़्यादा कसूर खुद अवाम का है, हमारे मीडिया का है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स का है, हमारे सियासतदान का है, लेकिन सबसे ज़्यादा कसूर अवाम का है, सबसे ज़्यादा कसूर अवाम का है कि अवाम निकलना ही नहीं चाहती। अवाम में या तो वो मजबूर है, वो रोटी पानी के चक्करों में पड़ी हुई है, नंबर 2 अवाम यहाँ तो डरी हुई है, वो उनको कहते हैं जब उनको लगता है कि डाला आ जाएगा। एक भाई ने बड़ी बात की थी कि कश्मीरी इसलिए उठ पड़े कि पहाड़ों पे डाला नहीं चढ़ सकता। और दूसरी तीसरी सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि अवाम में सबसे ज़्यादा ना अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है। तो मेरा आप लोगों को मशवरा है कि काइंडली अपने राइट्स के बारे में पढ़ें। मैं एक दफ़ा स्टडी कर रहा था, इसराइल जो कि बहुत जालिम मुल्क है, वो अपने बच्चों को अपने राइट्स के बारे में बताता है। यूके में ऐसे स्टडी दी जाती है, कानून पढ़ाया जाता है कि आपको कोई अगर कुछ मसला हो तो ये कानून है, ये मसला हो तो ये कानून है। सानू इधर की पढ़ाया जाता है, अलिफ अनार बे बकरी पे फंका कुछ बेहतर कहने खुदा का वास्ता है ये। और आप सबने मार जाना है, मरना तो मैं भी हैगा, तुसी भी सबने मार जाना है। इस वास्ते मुल्क नू ख्याल रखो, ये मुल्क बर्बाद करने के लिए नहीं बना, ये इस्लाम के नाम पर मुल्क बना था, आप लोग इसको बर्बाद कर रहे हैं। और वहाँ में शऊर आने दें जो कि आप नहीं आने दे रहे, उसमें सबसे बड़ी गलती अवाम की है। तो नाज़रीन आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी गलती किसकी है? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। नाज़रीन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने मेज़बान गुलफाम खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।